पूर्व मंत्री जीएस बाली ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जीएस बाली ने कहा कि सरकार के विकास के नाम पर करोड़ों का लोन लेती है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता। कांगड़ा जिला महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन यहाँ की अनदेखी हो रही है। आवाज उठाने पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फोर लेन जैसे प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इन पर कोई काम नहीं किया है। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। जीएस बाली ने कहा कि सरकार के विकास के नाम पर करोड़ों का लोन लेती है, लेकिन जमीन पर कोई काम नहीं होता। कांगड़ा जिला महत्वपूर्ण रहता है, लेकिन यहाँ की अनदेखी हो रही है। आवाज उठाने पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फोर लेन जैसे प्रोजेक्ट मिले हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इन पर कोई काम नहीं किया। कांगड़ा के हितों के खिलाफ अगर सरकार जाएगी तो इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेरोजगारी और सीमेंट की कीमतों में वृद्धि पर पूर्व मंत्री ने कहा कि सरकार बेरोजगारी पर ध्यान देती, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। बेरोजगारी को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन खेद की बात है कि सरकार कुछ नहीं करती। सीमेंट के दाम हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार आंखें मूंदे सोई है। सरकार को बताना चाहिए कि बिजली किस दाम में बाहरी राज्यों को बेची जाती है। हिमाचल में बिजली के दाम भी जनता को दिए जाएं, ताकि जनता को भी सरकार का पता चल सके। अगर हिमाचल में सीमेंट की तरह बिजली के दाम भी महंगे हुए तो इस सरकार को भोले शंकर ही बचा सकते हैं। एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर पूछे गए सवाल पर जीएस बाली ने कहा कि सरकार को सभी को साथ में लेकर चलना चाहिए। विधायक, सांसद और राजनेता क्या चाहते हैं, लेकिन आखिरी डिसीजन सरकार का ही रहता है और उसे आगे आकर बात करनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री से आधारशिला रखवाई गई और अभी तक काम नहीं हुआ हो। शराब की बढ़ी हुई कीमतों पर उन्होंने कहा कि इससे गांव-गांव में शराब के ठेके खुलेंगे, जो अच्छी बात नहीं है। मादक पदार्थों की खेप रोजाना पकड़ी जा रही है, लेकिन इस पर लगाम नहीं लग रही, ये एक चिंता की बात है। सरकार को इसके लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाने के लिए भी सोचना चाहिए। एक अन्य सवाल के जवाब में दिग्गज नेता ने कहा कि राजनीति में कोई किसी को नहीं धमकाता। यहाँ शाहीन बाग वाले नहीं धमक रहे तो राजनेता क्या धमकेंगे। कई बार अपनी भाषा पर संयम रखने की जरूरत होती है, जिसका सभी को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को इग्नोर किया जा रहा है, जिससे प्रदेश को काफी हिट बैक होगा। देखो, मेरा स्टैंड तो पहले से वही है, ये मैंने किया था एक्सपेंड भी, मगर मेरा स्टैंड साथ में ये भी है कि क्लियर है, ये हो जाना चाहिए कि आम नागरिक को ज़्यादा सुविधा ना हो। और मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार कमर्शियल साइट पे काम लगने लगा था, मैंने अपने आप एज ए मिनिस्टर अधिकारी को बुला के कहा कि भाई इसको रोको, मगर उसके बावजूद भी वो बन गया। तो आप लोग समय रहते आपको ये सारी चीज़ें एक्सपेंशन और बाकी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आप ये देखना चाहिए कि जो गरीब लोग बस गए हुए हैं उनको कम से कम उनका क्या बोलते हैं विस्थापन जो है वो कम से कम हो, और जो हवाई अड्डा वो भी ऐसा बन जाए कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट हो सके, लोगों को नौकरियां मिल सकें, लोगों का रोजगार चल सके, दोनों चीज़ें पैरेलल होना चाहिए। उसको देखना और करना आज की गवर्नमेंट का काम है। साथ तो साथ उनका क्या देना कि हम कोई वो थोड़ी नहीं है पंगू कि भाई हर चीज़ को यस में यस कहेंगे। जो ठीक होगी उसको ठीक कहेंगे, जो ठीक नहीं होगी। कांगड़ा को क्या मिला अभी 2.5 साल में? कांगड़ा को मुझे बताएं क्या दिया 2.5 साल में? 2.5 साल से तो हम एक लोलीपॉप है, उसको देख ही रहे हैं। बाई इलेक्शन भी हो गया, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद अभी तक कांगड़ा जैसे जिले को कुछ नहीं मिला। ब्रिक्स से बाहर कर दिया और फोर लेन से टू लेन करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए साथ चलना चाहिए। कांगड़ा के लोगों को हम एजुकेट करेंगे समय आने के ऊपर कि क्या 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 हुआ आपके साथ, हमें बाकी जगह क्या करें ना उसका पक्षधारों की हर जगह की डेवलपमेंट एक जैसी होना चाहिए। जहाँ का मुख्यमंत्री होता है वह थोड़ी ज़्यादा करता है, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लाइक कांगड़ा। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।
कनिकास नर्सिंग अकेडमी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का पहला ऐसा कोचिंग संस्थान जो सरकारी हॉस्पिटलों में ली जाने वाली स्टाफ नर्सेस की नौकरी के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवा रहा है। इसके साथ साथ जो विद्यार्थी प्लस टू के बाद बीएससी नर्सिंग में जाना चाहते हैं वो भी एंट्रेंस टेस्ट की कोचिंग ले सकते हैं, जहाँ पर मिलेगी बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ फैकल्टी जो कि पीजीआई चंडीगढ़ और आईजीएमसी शिमला से वेल क्वालिफाइड टीचर हैं। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, हॉस्टल फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। संपर्क करें कनिकास नर्सिंग एकेडमी, ठाकुर कॉम्प्लेक्स बिहाइंड आईडीबीआई बैंक, डीसी चौक, हमीरपुर। मोबाइल नंबर 8219033032। जिंदगी की सफलता बहुत हद तक निर्भर करती है हमारे स्कूलिंग पर। द मैग्नेट पब्लिक स्कूल एक ऐसा ही स्मार्ट स्कूल है जहां बच्चों को दी जाती है वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। 2014 से शुरू हुए इस संस्थान के 5 स्टूडेंट्स ने 10वीं एवं 12वीं की कक्षाओं में मेरिट स्थान हासिल किया। कई विद्यार्थियों का चयन MBBS, NIT, BAMS जैसे संस्थानों में हुआ है। स्कूल में ही दी जाती है साइमल्टेनियस कोचिंग फॉर JEE।